सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और मैं प्रोग्राम को ज़रा आगाज़ करते हैं, अब से कुछ देर पहले डी जी आई एस पी आर मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानब से मीडिया को ब्रीफिंग दी गई, तो जो आम मौजूद उनके आज थे जिस पर उन्होंने मीडिया को आगाह किया, ज़रा उस पर पहले प्रोग्राम के पहले इससे हमें डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने ब्रीफिंग का आगाज़ किया वो ज़ाहिर भारत के हवाले से किया और यही आज उनका अहम मौजू था, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ भारत के हवाले से गुफ्तगू की बल्कि उन्होंने मदारिस के हवाले से भी गुफ्तगू की और ख़ासतौर पर पी टी एम के हवाले से बड़े अहम सवाल उन्होंने खुद पी टी एम के लिए रख दिए हैं। भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत को हम बताना चाहते हैं कि ना ही ये 1971 है, ना ही वो वाले हालात हैं और ना ही वो वाली फ़ौज है। हमारे हम अज़म का भारत जो है वो इम्तहान ना ले, जारियत अगर हुई तो फिर 27 फरवरी जैसा ही जवाब दिया जाएगा। मदारिस के हवाले से उन्होंने कहा कि जो मदारिस हैं उनमें दीन और इस्लाम का तो है मवाद, लेकिन जो दूसरा मवाद है, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ाया जाए, इसीलिए मदारिस को महकमा तालीम के तहत मातहत करने का फ़ैसला किया गया है। और ये भी कहा कि पाक फ़ौज ने दहशतगर्द तनजीमों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की। पी टी एम के बाद उन्होंने आगाज़ में बात की, उन्होंने कहा कि पी टी एम से सबसे पहला रब्ता मैंने खुद किया था, लेकिन पीटीएम के सामने कई सवाल उन्होंने रखे, लेकिन उन्होंने कहा कि पीटीएम को मज़ीद ढील नहीं मिलेगी, बस बहुत हो चुका है। पीटीएम से उन्होंने ये सवाल किया कि इस्लामाबाद में धरने के लिए आपको रॉ ने कितने पैसे दिए, आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, आपके लिए जो दुबई से पैसा आता है उस हवाले से आप बताएं कहाँ से आता है, आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या फिर अफगानिस्तान का आप हिस्सा हैं, टी टी पी आपके हक में बयान क्यों देती है। बहुत सारे सवाल थे जो उन्होंने रख दिए हैं और उसके बाद उन्होंने पश्तों में भी पैगाम दिया जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो कौम है उसके लिए। इस पर हम ज़रा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेड जनरल हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, मौजूद तो वही थे जो कि होने थे, लेकिन आज जो उन्होंने पी टी एम के हवाले से बात की है, जो सवाल उन्होंने रख दिए हैं और वो सवाल जो कि पूछे गए हैं बड़े भरपूर तरीके से, उनको आप किस तरह देख रहे हैं आज? देखिए, डी जी आई सी आर की आज ब्रीफिंग जो है एक तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थी जो कि बहुत ज़रूरी भी थी, और ख़ास तौर पर पी टी एम जिस तरीके से पाकिस्तान में अब इन्वॉल्व हुई हुई है, उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि आपको साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, आपको फंडिंग कौन कर रहा है, उसके बाद आपको एन डी एस कैसे फंडिंग कर रही है, आपको रॉ कैसे फंडिंग कर रहे हैं, कौन सी जगहों पर कौन कौन से मौक़ों पर आपको फंडिंग की गई है, और उसके बाद वहाँ पर आपके मकासद क्या हैं, आपने कितनी प्रॉब्लम डाली है पाकिस्तान के लिए, आप उस रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, कैसे की गवर्नमेंट मौजूद है और पश्तूनों के लिए वो जिम्मेदार है। अगर आप फाटा की बात करते हैं तो फाटा में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो हैं हमारे फौजियों ने और सिविलियों ने दी हैं, और हमें कंसर्न है कि वहाँ के मसाइल कैसे हल होने चाहिए, उसके लिए पूरी कार्रवाई भी की जा रही है, डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हो रहे हैं वहाँ पर, आपने इवन क्रेडिट कॉलेज भी कायम कर दिए गए हैं। तो उन्होंने साथ में वार्निंग दी है कि एनफ इज एनफ, अब आपके खिलाफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और सजा भी दी जाएगी, और इसके लिए अभी भी अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं आप आएँ, हमारी टेबल्स मौजूद हैं, आप बैठें, बात करें, हल करें, लेकिन आप किसी एजेंडे पर बात नहीं करें, आप दूसरे इंटेलिजेंसी हॉस्टल इंटेलिजेंसी के लिए मत बात करें, उनकी जो फंडिंग है, जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, फंड रेजिंग की है, वो पैसा आपने किस जगह खर्च किया है हमें सब मालूम है, और आपने वो पैसा क्यों नहीं आपने डेवलपमेंट पे खर्च किया ताकि जस्टिफाई कर सके। तो मेरे ख्याल में पी टी एम को उन्होंने बड़ा क्लियर एक मैसेज दे दिया है कि अब आपके खिलाफ गंजा सख्त होने लगा है, आप गैर कानूनी कार्रवाइयाँ बंद कर दें, और फिर जो आप फौज के खिलाफ जो नाराबाजी करते हैं ये कोई भी मोहब्बत वतन शहरी और कोई भी वो किसी सेक्ट से बिलोंग करता वो नहीं कर सकता। इनका सिर्फ मकसद एक है, एनिमी का एजेंडा, कि पाकिस्तान की फौज और आवाम के दरमियान में जो एक अतमाद है उसमें दरार डाल दी जाए, उसमें वेस्ट क्रिएट किया जाए, और जो कि सबसे बड़ी दुनिया के नए ये खास होते हमारे असल मुल्कों का मेरिट है कि ताकि इसी से पाकिस्तान को नुकसान होगा,
जब तक फौज और अवाम इकट्ठे हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा आरिफ साहब, जो ये सवालात हैं जाहिर है वो सवालात हैं जो कि इससे पहले होते रहे हैं, लेकिन अब इन सवालात के जवाब देना कितना आसान होगा? देखिए अब बड़ा सिंपल है कि अब इसके बाद इन्होंने मुज़ाकरात की ऑफर भी की है कि आप आए और आप बताएं कि आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो रिलेटेड होने चाहिए पाकिस्तान के, पाकिस्तान में रह के बात करें। आप अफगानिस्तान में जाके, जर्मनी में जाके कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, आपको फंड कौन करते हैं, आपको क्या नैरेटिव देते हैं, हुसैन हक्कानी से कैसे मुलाकातें होती हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन है, ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। और अगर कोई मसाइल हैं बैठ के बात करें, अदरवाइज पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो एक रेट होती है गवर्नमेंट की, उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जो हमारे रेट को चैलेंज कर सके, और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हर किस्म की अब आपकी सख्ती की जाएगी और लीगल एक्शन लिया जाए। हाँ बिल्कुल सही। हाई साहब हमारे साथ ही मौजूद है, सार खोरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। निसार खोरसा, बड़ी अहम बातें हैं, बड़े अहम मौजूदात थे जिस पर आज DGISPR की जानिब से गुफ्तगू की गई। PTM के जो सवालात उन्होंने किए हैं कि भाई फंडिंग कहाँ से होती है, जब आप कहते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई लेकिन जो आपने ज्यादती की उसका जवाब आप किस तरीके से देंगे, आपको बहुत डील दे दी आप नहीं दी जाएगी, इस तमाम तरह गुफ्तगू को आप किस तरह देखते हैं? देखें PTM के बारे में पीपल्स पार्टी ने पहले ही कहा था कि ये जो आए हैं इनसे बातचीत करके पूछा जाए कि इनके मसाइल क्या हैं। अब वो जो ऐलान हुआ था या जो हमने कहा था उसको काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, उसके बाद इलेक्शन तक भी हो गई, उसके बाद इलेक्शन भी हो गई, उसके बाद शायद हुकूमत ने भी उनके साथ थोड़े बहुत मुज़ाकरात किए हैं। अब ये अगर सियासी जमात है तो इलेक्शन कमीशन ने इनको रजिस्टर किया होगा, सही। अगर सियासी जमात है तो रजिस्ट्रेशन की वजह से फिर वो इलेक्शन में भी खड़े हुए होंगे। अगर कुछ जीते हैं नहीं जीते हैं वो अलग इशू है, लेकिन इलेक्शन में खड़े होने का अगर हक था तो वो इलेक्शन कमीशन ने उनको दिया। अगर जमात सियासी नहीं है और सिर्फ सोशल वेलफेयर जमात है तो वो अलग इशू बन जाता है। चाहे सियासी जमात हो लेकिन अभी तक वो कलदम तंजीम करार नहीं दी गई, सही। अभी तक कलदम तंजीम करार नहीं दी गई। ये और बात है कि इलेक्शन कमीशन उनसे पूछ सकता है, उनकी फंडिंग सोर्स पूछ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है, क्योंकि उनके पास देना पड़ता है ये सारा डिटेल कि हम पैसे कहाँ से लाते हैं और कैसे खर्च करते हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन उनसे पूछेगा या ISPR उनसे पूछेगी, ये है सवाल। सही। सवाल ये बनता है कि अगर वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो फिर इलेक्शन कमीशन की इस अथॉरिटी पे कोई इंटरफेरेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सवाल बनता है जिसके बारे में सोचना चाहिए। कोड़ो साहब, जब वो कहते वो सियासी जमात है, जब DGISPR की तरफ से कहा जाता है कि अब कानून के तहत आपसे जवाब लिए जाएंगे, अब ये जवाब आपसे लेने ही पड़ेंगे और कानून के तहत हम सारे जवाब लेंगे, वो तो ठीक है, वो ठीक है, आप भले उनसे कानून के मुताबिक जवाब दें, तो कानून की ही वजाहत मैं कर रहा हूँ कि अगर वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है तो पूछने का हक इलेक्शन कमीशन को है या DGISPR को है, सही। ये सवाल उठेगा, सही, ये सवाल उठेगा आज नहीं तो कल उठेगा। हाँ, अगर वो सियासी जमात है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है खोड़ो साहब, हुकूमती सतह पर उस तरीके से काम नहीं हुआ, अभी काम उस पर होना चाहिए ताकि ये जो बातें हैं, जो सवाल हैं, ये वाकई इनके जवाब मिले, कौम भी जानना चाहती है। देखें मैं आपसे गुजारिश करूं, अगर हुकूमत उनसे सवाल जवाब नहीं कर पाई तो वो हुकूमत की कमजोरी है। आया हुकूमत ने ISPR को कहा है कि वो उनसे सवाल जवाब करें तो वो भी वजाहत होनी चाहिए, ठीक है। कौन फौज पर कौन नुक्ताचीनी करना चाहता है, नहीं करना चाहता, उनकी बहुत कुर्बानियां भी हैं। फौज नुक्ताचीनी के तहत तब आती थी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंस में रखते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंस में रख के PCO लगाते थे और डिक्टेटर साहब आ जाते थे, फिर किसी को कोई रोक ही नहीं सकता कि उन पर नुक्ताचीनी ना करे। लेकिन अगर सियासी हुकूमत है और अफवाज पाकिस्तान अपनी अंदरूनी या बैरूनी बॉर्डर्स पर अपनी तंदीरी से काम कर रही तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हमने तो उन पर इतना ट्रस्ट किया कि नेशनल एक्शन प्लान उनके हवाले किया कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करा के हमें अमन अमान करने दो, ये हुकूमत का इस्तेहकाक था, ठीक। ये उस वफा की हुकूमत का इस्तेहकाक होता है कि वो अफवाज पाकिस्तान को किसी जिम्मे लगाएं।
ठीक है, तो वो अपना इस्तेकाक पार्लियामेंट ने इस्तेमाल किया, हुकूमत ने इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी जानफिशानी से अपना एक रोल अदा किया, ठीक है, हमें अमन अमान करके दिया, हमारी एक सक्सेस स्टोर बनी। लेकिन इसके बारे में भी ये पता चलना चाहिए कि आया हुकूमत ने उनको ये जिम्मेदारी दी है या वो खुद से जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ठीक है, पूछताछ करना तो जरूरी है, अगर कहीं से फंडिंग होती है, फॉरेन फंडिंग होती है। बिल्कुल सही, इसका इसका जवाब तो हुकूमत ही नुमाइंदे दे सकते हैं। पॉइंट टेकन। हारिस नवाज साहब, जब ये कहा जाता है कि जी अब आपसे जवाब लिया जाएगा और वो कानूनी तरीके से आपसे जवाब लिया जाएगा, अब ये मजीद आपको डील दी नहीं जा सकती है, तो आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत सतह पर उस तरीके से काम हुआ नहीं है? नहीं, देखें बिल्कुल, जैसे पहले हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि ये कानून के दायरे में रहते हुए अगर अपनी कोई तहरीक वो लॉफुल तहरीक चलाना चाहते हैं तो वो चलाएं, अगर कोई वाकई पश्तूनों के मसाइल हैं वो भी हल करें। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कोरिडोर एजेंसी ने बहुत क्लोज इनकी मॉनिटरिंग की है, और जब कम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये रॉ से फंडिंग ले रहे हैं, ये एनडीए से फंड, ये पाकिस्तान के नैरेटिव के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये दुश्मन के एजेंडे को लेके चल रहे हैं, और साथ ही साथ इनके अजाइम जो है वो वेलफेयर नहीं है बल्कि एंटी स्टेट अजाइम हैं, तो फिर पाकिस्तान की आज डीजीआईएसपीआर ने फौज से बड़ा क्लियर बात की है, उनको वार्निंग भी दी है कि अगर आइंदा आप ऐसी कोई बात करेंगे और आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी डीजीआईएसपीआर और हमारी जो हुकूमत है इनसे स्पेसिफिक सवाल करेगी कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ, किसने दिया, आपने कहाँ खर्च किया। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने खर्च का किया, डेवलपमेंट वर्क किया आपने या नहीं किया। बिल्कुल। और फिर आपके साथ तो ये चीजें अब इनसे इनको वार्न कर दिया गया है, मेरे ख्याल में अब इनको कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, और अगर ये नहीं समझेंगे इनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, जो जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी, ठीक है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ अमजद शुएब साहब दफाई तजिया कार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया अमजद साहब। ये सवाल जो कि पहले पूछे तो गए लेकिन इस तरीके से नहीं पूछे गए, लेकिन जब आज डीजीआईएसपीआर ने तमाम सर सवालात रखती हैं और पीटीएम से पूछे भाई फंडिंग आपको कहां से होती है, इस्लामाबाद में धरने के लिए आपको पैसा क्रॉ ने दिया, किस तरह दिया, कहां से पहुंचा, आपकी टीटीपी आपके हक में बयानात क्यों देती है, आपको बहुत डील दे लिया, जब आप कहते हैं कि लोग लापता हैं तो आपने उनके लिए क्या काम किया, आप काम किसके लिए कर रहे हैं, ये वो सवालात हैं, इनके जवाब तो लेने ज़रूरी हैं और लिए भी जाएंगे। आप किस तरह देख रहे हैं समांतर सूरत हाल को? देखिए बात यह है कि ये हमें पहले से पता था कि ये बाहर से फंडिंग आ रही है और उसके शवाहद यूँ थे, मतलब मैं एक तजिया निगार की हैसियत से जानता था, शवाहद यूँ थे कि मोहसिन दावड़ जो इनका लीडर है वो जाके हुसैन अकानी के साथ मीटिंग उसकी मीटिंग्स अटेंड करता था लंदन में, वो उसके ठहराने का खर्चा देते थे, अब लंदन में भी और अमेरिका में भी। अब आप देखिए कि हुसैन हकानी की क्या सारे काम जो कुछ वो मुल्क के खिलाफ कर रहा है हमें सारे पता हैं, यहाँ पे जब जब वो भारत जाता है वो पता है हमें। अब कोई भी शख्स जो मुल्क के खिलाफ, मुल्क के मुफादात के खिलाफ काम कर रहा है, कभी को मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उसके पास जाके बैठेगा भी नहीं, ना ही उसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ना चाहेगा। इसी तरह मंजूर पश्तीन का हमें पता था कि महमूद खान अचकजई ने उसके सारे रफ्त जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में एनडीए से करवाए हुए हैं, नतीजा ये कि मंजूर पश्तीन वहाँ पे जाके काम करता था, तो ये चीज़ें पता थी। लेकिन आज डी जी आई एस पी आर ने बाकायदा शवाहद के साथ बात की है, और ये इस लिहाज से बड़ा अहम है कि कानूनी चारा जो अगर आपने किसी के खिलाफ करनी है तो हमेशा वहाँ पे बात यही होती है कि जी आपके पास शवाहिद क्या है, तो अब कानूनी चारा जो करनी भी निस्बतन आसान हो गई इस वजह से कि शवाहिद मौजूद हैं, और अगर शवाहिद की बुनियाद पे इन लोगों को सजाएं हो जाती हैं तो फिर बाकी लोगों की आंखें खुलेंगी। कर ये कर कह रहे थे, इनकी देखें करतूतें, इनकी ये देखें कि फाटा में ये रहते हैं, फाटा के मसाइल दो तीन इन्होंने पकड़े कि जी वहाँ पे मिसिंग पर्सनस हैं, चेक पोस्टों पर प्रॉब्लम्स हैं, या आपने कहा जी कि हमारे वो माइन फील्ड्स हैं उसमें लोग मारे जाते हैं, ये सिर्फ फाटा का किस्सा था, इसमें पख्तून तहफ्फुज कहाँ से आ गई, ये वो शोशा था जो उन्होंने छोड़ा जिसमें सारे पख्तूनों को मुलव्वस कर दिया, डिमांड वो रखी जो सिर्फ फाटा से थी, और जनाब जाके कोयटा में पख्तूनों को मुतहरक कर दिया, कराची में, लाहौर में, इधर आके केपीके में, अब केपीके में पख्तूनों की अपनी हुकूमत है, हर सूबे में अपनी हुकूमत है लोगों की, और वो उनको 18वीं तरमीम के बाद पूरे हकूक उनके पास हैं। फिर ये है कि कराची में आप देख लीजिए, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पख्तून हैं उनके कारोबार हैं, कराची में तो ख़ास तौर पे केपीके के बाद सबसे बड़ी आबादी कराची में है,
वो उनको कोई कहता है कि आप पाकिस्तानी नहीं, वो तो बिल्कुल पूरे हकूक के साथ कराची के पूरे मसाइल पे जिस तरह भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरे लोग उठा रहे हैं, सारे उसी तरह कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं थी। लेकिन आपने एक एथनिक बुनियाद के ऊपर एक पख्तून का नाम लेके सारे मुल्क के पख्तूनों को एक गलत रास्ते पे डालने की कोशिश, यही सवाल पकड़ी गई है। बिल्कुल सही, ये साजिश तो पकड़ी गई और जाहिर है यही सवाल उठाया आसिफ कपूर साहब ने कि भाई जब वो लोग जो हैं वो जंग का हिस्सा बने हुए थे, जब उनके दहशतगर्दी का मुकाबला करे तब आप कहाँ थे? अब तो हालात भी ठीक हो गए, अब तो तरक्याती काम भी हो रहा है, बहाली का काम भी हो रहा है, तो अब तहफ़ की बात करें तो ये कौन सा तहफ़ है? और आपको लग रहा है कि ये तहफ़ की आड़ में जिस तरीके से सियासत की जा रही है उसको रोकना कितना आसान होगा? देखिए, तहफ़ की आड़ में जो सियासत की जा रही है रोकना, तो उसको एक ही तरीका था कि आप उनके अजाइम पब्लिक के सामने के लेके आएँ। ये मैं आपको बताऊं कि सवात में लोगों को बहुत हद तक पता है, क्योंकि सवात में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन आर्मी ने किया था, बड़ी कुर्बानियां दी और लोगों ने आज सुख का दिन देखा, वहाँ ज़िंदगी नॉर्मल है। अगर सवात की सड़कों पर जाके देखें तो वहाँ बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर इंडियन रॉ की मजलिस शूरा, और मजलिस शूरा के जो अराकीन है जिसमें तस्वीरें नीचे दी हुई हैं उसमें मंजूर पश्तीन की तस्वीर है, दावड़ की तस्वीर है, इनके तीन चार लोगों की तस्वीरें उसमें नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं। यानी लोग जो समझ गए इनकी चाल वो तो इनके हथे नहीं चढ़ेंगे, लेकिन अब जब हुकूमत बाकायदा तौर पर इनका चेहरा बेनकाब करेगी, इनके लीडर्स के करतूत खोलेगी, तो इनको सजाएं भी होंगी और लाजमन आवाम जो है उनमें शऊर जागेगा। ये चीज़ जो है ये बड़े लंबे वक्त तक चलती रही जिसकी वजह से आवाम गुमराह हुए और उन्होंने अपने आवाम को गुमराह करने में बड़ा रोल अदा किया। लेकिन अब आप देखेंगे कि जब ये चीज़ें खोली जाएंगी, इनके चेहरे बेनकाब होंगे, तो आवाम लाजमी बात है कि वो इनके चुंगल से बाहर आएंगे और इनकी सियासत में से, इनके सियासत के गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। पॉइंट टेकन। लास्टली निसार खोड़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये जो मामलात हैं अब इसको पाया तकमील तक पहुँचाना और इस मामले का वाकईतन हल निकालना कि भाई सियासत के नाम पर जिस तरीके से लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, साजिश की जा रही है, उसको उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभी कितना काम मजीद करना पड़ेगा? मैं निशान गुजारिश करूं जी, देखिए मैंने फिर वही सवाल उठाया, अगर ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या तरीके हैं? एक, कानून के दायरे में ले आओ, या उनको बैन कर दो, या उनको बैन कर दो। लेकिन ये हुकूमत के दूसरे मौकफ से अलग सी चीज मुझे महसूस हो रही है। हुकूमत ने कुछ दिन पहले कहा जो कलदम तंजीमें हैं, जो कलदम तंजीमें, हम उनको मेन स्ट्रीम में आएंगे, बिल्कुल कौमी धारे में लेकर नौकरियां देंगे, हाँ जी, उनकी डेवलपमेंट, उनकी नौकरी देंगे, उनकी डेवलपमेंट कराएंगे, ये करेंगे ये करेंगे, कलदम तंजीमों के लिए कहा। ये तो अभी तक कलदम नहीं हुई, ये अभी तक कलदम करार नहीं दी गई। कलदम तंजीमों के लिए इतना रिलीफ और दूसरों से इतनी पूछगछ तो हर एक से होनी चाहिए, चाहे कलदम तंजीमों की फंडिंग का भी पता चलना चाहिए, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को भी अगर फॉरेन फंडिंग हो रही है तो उसको भी हिसाब लेना चाहिए। ऐसे इल्जाम तो तरीके इंसाफ पे भी लगे थे कि फॉरेन फंडिंग हुई है, फॉरेन फंडिंग तो उसके लिए भी कहा जाता था, किसी ने उसकी तरफ कुछ ख्याल नहीं किया, किसी ने उसकी तरफ जाँच पड़ताल नहीं की और सारे चुप हो गए। बात यही है कि पूछकर जरूर करो, रॉ के साथ कनेक्शन हो तो जरूर जरूर उसको एक्सपोज करो, अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं तो जरूर उसको एक्सपोज करो, ये अपनी सब जगह पे अपनी जगह पे बात है। लेकिन दो मौकफ नहीं होने चाहिए कि कलदम तंजीमों के लिए रिलीफ हो और दूसरों के लिए पूछकर। चलें, पॉइंट है कि दो मौके नहीं होने चाहिए। ज़हन में आया जो मैंने आपके सामने, बिल्कुल सही आपके सवालात भी हमारे सामने आ गए, जाहिर ऑन रिकॉर्ड आ गए और हम चाहेंगे कि हम आगे जाकर पूछें भी हुकूमती नुमाइंदों से। लास्टली अमजद शरीफ साहब, जब DGS पर ने कहा कि तमाम मदारिस जिनको महकमा तालीम के तहत मातहत करने का फैसला किया गया है कि वहाँ पर वो निसाब भी पढ़ाया जाए जो अभी नहीं पढ़ाया जाता, ताकि वो लोग भी आएँ और स्ट्रीम में आके कहीं भी किसी भी फैकल्टी में जाकर वो जॉब कर सकें, इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही अहम कदम है। इन मदारिस में तकरीबन 25 से 30 लाख लोग बच्चे तालीम पा रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ दीनी तालीम दे के जब इनको बाहर निकालते हैं तो ये मस्जिदों में या तो इमामत करते हैं, अगर इमामत की जगह ना मिले तो फिर ये जाके दाएं बाएं बैठ के
تو دین کی غلط توجیہات لوگوں میں پیش کرتے ہیں, خرافات کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جو بیکاری کی وجہ سے ایک غلط رستے پہ چلا جاتا ہے. اب اگر آپ ان کو ماڈرن تعلیم بھی ساتھ دیں گے تو ایک تو اگر علماء بنے تو پڑھے لکھے علماء ہوں گے جو لوگوں کو درست باتیں بتائیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے روزگار کے مواقع نکلیں گے. جب آپ نے آج کی دنیاوی تعلیم بھی دینی تعلیم کے ساتھ حاصل کی ہوگی تو آپ کی باہر مارکیٹ میں کوئی وقت ہوگی. لہذا جیسے آپ کمپیوٹر سیکھ لیتے ہیں, پروگرامنگ آپ کو آ جاتی ہے, آپ ماڈرن تعلیم میں بہت ساری چیزیں جیسے بزنس مینجمنٹ کے قوانین ہیں, اصول ہیں, تو وہ لوگ جا کے جہاں بھی جس بھی شعبے میں کام کریں گے, چونکہ دینی تعلیم بھی حاصل کی ہوگی تو دنیاوی تعلیم کا استعمال بھی میرا خیال ہے وہ جائز طریقے سے اور کوئی دینی اصولوں کے مطابق کریں گے. بالکل, اچھے شہری بھی بنیں گے اور پھر روزگار بھی ہوگا, کیونکہ بے روزگاری جو ہے وہ آدمی کو بہت سارے غلط کاموں کی طرف, بالکل غلط راستوں پر جاتی ہے. بالکل صحیح, وہ روزگار کی طرف بھی ہے. بالکل صحیح, روزگار کی طرف بھی فوکس ہے اور اچھے شہری بنانے کی طرف بھی. بالکل صحیح پوائنٹ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ صحت سے متعلق موضوعات ہیں اور خاص طور پر لڑکانہ میں جو ایڈس کے بڑھتے ہوئے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ان میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے وِد اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. لڑکانہ کے علاقہ ہے رتو ڈیرو, جہاں پر ایڈس ایک وبائی صورتحال اختیار کر چکا ہے. اگر ہم بات کریں تو پچھلے ایک ماہ میں 22 کیسز ایڈس کے سامنے آ چکے ہیں. 15 روز میں 15 کیسز سامنے آئے, جس میں سے 5 بچوں کی اموات بھی ہو چکی ہیں. ایک ہی خاندان کے 7 افراد میں ایڈس کی تشخیص ہوئی اور نئے کیس میں ایک خاتون سمیت 3 بچے جن میں ایڈس کی تشخیص ہوئی ہے. اب اسکریننگ کیمپ لگا دیے گئے ہیں, 4 نئے کیسز پھر سامنے آ گئے ہیں اور جو سندھ ایڈس کنٹرول پروگرام ہے اس کی جانب سے بھی رتو ڈیرو کے متاثرہ 4 دیہاتوں میں ایک گاؤں ہے الا ڈینو سیلرو, وہاں پر بھی ایک اسکریننگ کیمپ قائم کر دیا گیا ہے. شراز پٹھان ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے نمائندے ہیں لڑکانہ سے. پہلے ذرا ان سے صورتحال جانتے ہیں, پھر اس پر ذرا بات کریں گے. شراز مجھے بتائیے گا کہ لڑکانہ میں اب تک کتنے کیسز آ چکے ہیں ایڈس کے حوالے سے اور اسکریننگ کیمپ کتنے قائم کیے گئے؟ جی شکریہ سمیہ, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا یہ مشترکہ حلقہ آ جاتا ہے رتو ڈیرو کا NA 200 اور PS 10. یہ تحصیل لاڑکانہ کی جو ہے وہاں پر ایڈس کی وبا بہت سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے. صرف 7 روز کے اندر جب میڈیا نے اس ایشو کو اٹھایا تب سے جو ہے یہ ایک ماہ کے اندر اندر جو ہے نئے کیسز جو ہیں اس کی تعداد 30 ہو گئی ہے. آج جو ہے وہ رتو ڈیرو تحصیل ہاسپٹل جو ہے وہاں پر ایڈس کنٹرول پروگرام کی جانب سے جو ہے وہ اسکریننگ کیمپ لگایا گیا تھا جہاں پر 8, جبکہ جو ہے گاؤں اللہ دنو سیلرو میں جو ہے وہاں پر 5 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جن کی نہ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی اور یہ خود جو ایڈس کنٹرول پروگرام والے ہیں انہوں نے یہ اس کی تشخیص کی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں جو ہے سسپیکٹڈ کیسز سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد اب ان کے اور کچھ ٹیسٹ ہونے باقی ہیں. لیکن جو ایک الگ صورتحال ہے جس کو مسلسل HIV ایڈس کنٹرول پروگرام جو ہے وہ رد کر رہا ہے کہ یہاں پر کیسز نہیں ہیں, تو ان کی یہ بات اب غلط ثابت ہو چکی ہے کہ یہاں پر کیسز ہیں اور انہوں نے خود اس بات کی جو ہے اتنے زیادہ کیسز ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ سمیہ یہاں پر جو کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں وہ اس کا صرف ایک ہی جو ہے وہ راز ہے کہ یہاں پر عطائی ڈاکٹر جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد تھی. جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں عبد الرحمان بلوچ, انہوں نے سرکاری سطح پہ خود اعتراف کیا کہ ہمارے پاس لسٹ موجود ہے 270 عطائی ڈاکٹر جو ہیں وہ ضلع لاڑکانہ, جن میں صرف اور صرف 40 جو ہیں وہ رتو ڈیرو تحصیل میں موجود ہیں. آج ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے, سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں کوئکری وہ یہاں پر
پہنچے ہیں, اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر تھے. یہ 7 روز بعد ان کو ہوش آیا ہے اور 7 روز بعد اب پے در پے افسران جو ہے یہاں پر آئے ہیں, سیکرٹری صحت پہنچے ہیں سعید ایوان, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی جی ہیلتھ یہاں پر جو ہے مسعود سولنگی وہ پہنچ گئے ہیں. تو اس سے پہلے انہیں ہوش نہیں تھا, جب میڈیا نے یہ کیسز اس سے پہلے دبایا جا رہا تھا اس معاملے کو, لیکن اب جو ہے وہ معاملہ نہیں دب پایا. شکریہ شراز پٹانا, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, وہیں ہمارے نمائندے ہیں اور ہمیں اس تمام تر اسٹوریز کے حوالے سے مسلسل خبروں میں بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں. شاہد جتوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سی این رپورٹر ہیں, آپ کا بہت شکریہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے کے لیے. لیکن آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا کھوڑو صاحب سے پوچھنا ہے. کھوڑو صاحب, یہ وہ حلقہ ہے جس طرح سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ بلاول بھٹو کا اور فریال تالپور کا مشترکہ حلقہ ہے یہ NA 200. یہ کیسز پہلے کے ہیں, یعنی کہ یہ معاملات میڈیا پر جب آئے تب آئے تو ہلچل مچی ذرا سا اور ڈاکٹرز یہاں سے بھیجے گئے, لیکن اس سے پہلے یہ معاملہ دبایا کیوں جا رہا تھا اور سندھ حکومت میں ضمن میں کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں, بات سنیں, بلاول صاحب کا یا فریال صاحب کا نام لینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. یہ ساری سندھ میں کہیں نہ کہیں HIV/AIDS کا کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہے. میں چاہتا ہوں کہ سارے پاکستان میں اس طرح سے ٹیسٹنگ کی جائے. میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پتہ چلنا چاہیے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے تو ان کے حلقے کے حوالے سے ان کا نام لیا ہے. جی بالکل, ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ سنیں, ایک سنیں تو صحیح نا, آپ سنیں میری بات, سنیں میری بات. دوسری بات, عطائی ڈاکٹر کا, عطائی ڈاکٹرز پر بین ہے. سندھ کے اسمبلی کا قانون بنا ہوا ہے کہ عطائی ڈاکٹرز بین ہے. صحیح ہے, اگر کسی تنظیم نے, اگر کسی DHO صاحب نے, اگر کسی DC صاحب نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو اس کا قصور بلاول صاحب پر نہ ڈالیں, فریال صاحبہ پر نہ ڈالیں, پھر کس پر ڈالیں؟ حکومت پر ڈالیں, یہ کس کا قصور ہے؟ 270 عطائی ڈاکٹرز وہاں کام کر رہے ہیں سر, لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. انتظامیہ کو کیوں بھول رہی ہیں آپ؟ نہیں تو یہ کون کرے گا, یہ اقدامات کون کرے گا؟ جب میں نے کہا, ایک منٹ, آپ, میں جواب نہیں دوں گا, پھر سے مجھے کاٹیں گی تو جواب نہیں دوں گا. چلیں آپ جواب, میرا جواب پورا سن لیں اس کے بعد بھلے آپ. یہ عطائی ڈاکٹرز بینڈ ہیں قانونی طور پر, ٹھیک ہے. انتظامیہ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر عطائیہ, اگر DHO صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے 400 عطائی ڈاکٹرز ہیں تو وہ ان کو کمپلین کرنی چاہیے. اچھا, DC کے پاس یا کسی کے پاس بھی عطائی ڈاکٹر جب بین ہے تو ہونے چاہیے نا بین. رہی بات یہ, دوسری بات یہ, یہ ہم سارے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں. دیہات کے لوگوں کے بچے اگر کبھی بیمار پڑتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جہاں بھی کوئی نہ کوئی ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں, جس کو عطائی ڈاکٹر کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں, یا BHU جو PPHI چلاتا ہے. سرنجز کا استعمال ایشو رہا ہے ہمیشہ, ایک بچہ دوسرے بچے کو, تیسرے بچے کو وہی سرنج لگے گی, خطرہ بڑھ جاتا ہے. دوسرا بتا کہ آیا ماں باپ کی بھی ٹیسٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ میں نے تو پڑھا یہ بھی تھا کہ 9 ماہ کے بچے کو بھی ایڈز ہیں, HIV/AIDS. یہ بچے کو کیسے ٹرانسمٹ ہوئے؟ یا تو ڈاکٹر اس عطائی ڈاکٹر کے سرنج سے ہوئے ہوں گے یا پھر ماں باپ سے ہوئے ہوں گے. ماں باپ کے لیے بھی ہم نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جی نکاح خوان جو رجسٹر کرتا ہے نکاح, پہلے ماں باپ سے پوچھے شادی سے پہلے کہ آپ کے پاس HIV/AIDS کا کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے. یہ بھی قانون پاس ہوا ہوا ہے بھائی. چلیں, قانون تو سارے پاس ہیں کھوڑو صاحب, بالکل صحیح, عمل کرے, عمل کی بات ہوتی ہے, بالکل صحیح. سنیں کھوڑو صاحب, آپ کی بات, کھوڑو صاحب میں نے آپ کی بات بالکل سن لی, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. سر مجھے شاہد صاحب سے ہی بات کرنے دیں. شاہد بھائی, جس طریقے سے اب ہر کوئی اپنی ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے, نہ صرف سندھ, کراچی میں کتنے کیسز ہیں صحت سے متعلق سامنے آئے, جو ہماری صوبائی وزیر صحت ہیں عزرا پیچو صاحبہ, وہ کہیں نظر نہیں آتی, میڈیا پہ کوئی ان کا بیان نہیں آتا, بچے مر جاتے ہیں, جان سے چلے جاتے ہیں, لیکن کوئی کوتاہی کو, ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے, کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی دیکھیں, ڈاکٹر عزرا پیچو نے 2 دن پہلے سندھ اسمبلی میں ایک پالیسی بیان دیا ہے, بہت تفصیلی بیان دیا ہے انہوں نے, اور اس حوالے سے ایڈز کنٹرول کے حوالے سے جو ان کا پروگرام ہے اس کی بھی تفصیلات بتائی ہیں, اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کیسز سامنے آنے کے بعد حکومت سندھ کیا اقدامات کر رہی ہے, اسکریننگ کیمپ لگ رہے ہیں, اور جو غیر رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ لیبارٹریز ہیں انہیں سیل کیا جا رہا ہے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف. شاہد صاحب, وہ جب ہوا نا, جب یہ کیسز میڈیا پر آئے, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ میڈیا میں آنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے. اس طرح کی کیسز جام شوروبے میں بھی
उनकी निशानदेही हुई थी और मैं खोड़ो साहब की इस बात की तायद करता हूँ कि पूरे मुल्क में स्क्रीनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, ये ट्रांसमिट होती है जो डिज़ीज़, ये ब्लड से होती है। अगर सिरिंजेस एक मरीज से ज़्यादा पे इस्तेमाल होंगी तो खतरात मौजूद रहते हैं। ये पूरे मुल्क में हो रहा है। अगर एक इलाके में ये मसला सामने आया है जो बहुत ही तश्वीशनाक है और पूरी दुनिया को इस पर तश्वीश हो रही है, बहुत ही ख़तरनाक है, तो अब इसको पूरे मुल्क में स्क्रीनिंग होनी चाहिए, पूरे मुल्क में स्क्रीनिंग कैंप लगने चाहिए। ये सिर्फ अताई डॉक्टर सरेंजे जो हैं वो एक से ज़्यादा मरीजों पे इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सरकारी वजूहत और भी हो सकती हैं। सरकारी अस्पतालों में MBBS डॉक्टर भी उनसे भी ये गफलत हो रही है, सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये गफलत हो रही है, सही है। और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। ये जो लड़काना में जान से मुताल्लिक है, शायद डॉक्टर सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है जी शाह साहब कंप्लीट कीजिए। ये जो हमारे सामने इशू आया है इसको अब नेशनल लेवल पे टैकल करना चाहिए, कौमी सतह पे टैकल करना चाहिए, बिल्कुल सही। और पूरे मुल्क में वो करना चाहिए। उसके बाद सिरिंजेस के इस्तेमाल के लिए डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो अगर कोई दूसरा दोबारा इस्तेमाल होती हैं तो इस पे बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए। मरीज़ों में आगाही पैदा करनी चाहिए कि डॉक्टर अगर नई सिरिंज इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मरीज़ों को कोई ऐसा नंबर देना चाहिए जिस पे वो फौरन शिकायत करें कि जी फलां डॉक्टर जो है वो एक ही सिरिंज दो लोगों पे इस्तेमाल कर रहा है। और बाकी ये वालदैन से भी ट्रांसमिट होती है ये डिज़ीज़। स्क्रीनिंग ओवरऑल एक इदारे एक इलाके में इसकी निशानदेही हुई है, बिल्कुल सही। आपने ये तमाम अहम नुकात हैं जो आपने उठा दिए। मैं लास्टली खोड़ो साहब का भी ज़रा इस पर टेक ले लूँ। खोड़ो साहब, अब जो रितु डेरो जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मसला है वहाँ पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम पहुँची, क्रैक डाउन भी शुरू हुआ और तकरीबन 30 अताई डॉक्टर्स के क्लिनिक्स को सील किया गया। लेकिन तमाम इकदाम जब हुए, जब ये मामला मीडिया पर आया, जब ये केसेस बहुत बड़ी तादाद में सामने आए, उससे पहले नहीं हुआ। अगर आप एक सेकंड अगर आप मुझे पहले बताती हैं कि एक सवाल ये होगा तो मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता सारे सिंध की रिपोर्ट दिखा देता कि हर ज़िले में बाकायदा आदाद शुमार दिए हैं कि जी इतने हमारे पास HIV एड्स के रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं। ये सिर्फ रतोदरो नहीं है जी, लड़काना शहर भी होगा, डोकरी भी होगा, कहीं और भी होगा, सारे सिंध में कहीं ना कहीं मसला है। इसलिए आप इसको इस तरह से लिमिट न करें। आपने जो नाम लिया इसको तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की, इससे हटके जरा ये मामला है। हरगिज़ सर तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश नहीं की। एक मिनट की उन्होंने उठते हुए, आपके नुमाइंदे ने उठते हुए, जो बिलावल साहब का हल्का है, जो फरियाल साहब का हल्का है, उन्होंने बात इस तरह से की। सर हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ निशानदही करना है, अवामी मसला, खबर पर बात करनी है। बात सुने, ये इंसान की सेहत का मसला है, बिल्कुल इससे इंसान की सेहत का मसला है। इसको सियासी मत बनाओ, इस पे तंदही से सोचो, नेशनल लेवल पे सोचो। अताई डॉक्टर्स को नेशनल लेवल में बैन करना चाहिए और वाकईतन बैन होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे कालादम तंदीमों को बैन कर दिया उसके बाद फिर भी वो एग्जिस्ट कर रही है। बात करें उस तरह से जिस तरह से मसला हल हो। तनकीद हम सब बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन मुसब्बत सोच भी पैदा करनी चाहिए। उसके लिए मैं कह रहा हूं, ये मौलवी साहबान को किसी ने पूछा कि निकाह पढ़ाने से पहले ये क्या, वो पूछते हैं किसी से कि HIV एड्स है या नहीं है? क्यों नहीं पूछते आप उनसे, जबकि कानून भी बना हुआ है? क्यों नहीं पूछता मौलवी साहब के थैलेसीमिया है या नहीं है? क्यों नहीं पूछता कि जी डायबिटिक्स है या नहीं है, हेपेटाइटिस है या नहीं है? ये क्यों नहीं पूछी जाती सारी चीजें जिससे हमारी आइंदा की नस्ल बच सके? बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब आपका भी। और मैं बता दूं, जब निसार खोड़ो साहब ने बात की, वो रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान भर में 23,000 HIV एड्स के केसेस मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ सूबों में हैं। लेकिन जब एक खबर आती है तो उस खबर पर बात करना भी मीडिया का काम है। मीडिया इस बात पर राइट रखता है कि सवाल करे और सवाल का जवाब देना रियासत की जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया शजत साहब आपका भी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हम ये बात करेंगे ज़रूर कि चाहे वो सिंध हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो या फिर बलूचिस्तान हुकूमत हो या फिर KPK या फिर वफाकी हुकूमत, उसका काम है कि लोगों को सेहत से मुतालिक वसाइल फराहम करना और उनकी तशवीश है उसको दूर करना। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।